अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो प्रॉन्स की है, जिसके लिए हमें प्रॉन्स चाहिए 500 ग्राम और प्याज चाहिए एक बड़ी, सब्ज़ मिर्च चाहिए, सब्ज़ ऑनियन चाहिए, थोड़ी कसूरी मेथी चाहिए, लहसुन अदरक का पाउडर चाहिए और थोड़ा तेल, और ये नमक मिर्च ज़ीरा और गरम मसाला है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बनती है। आप मेरी रेसिपी को गौर से देखिए और फिर शुरू करते हैं। अभी यहाँ मैंने एक पैन लिया, पैन में मैं पानी व तेल डालूंगी और साथ ही मैं उसके गर्म करके तेल को थोड़ा मैं उसमें प्रॉन्स डालूंगी और प्रॉन्स को फ्राई करूंगी अच्छे से। अब मैं ये तेल को अच्छे से गर्म करूंगी। देखिए ये मैंने सारे प्रॉन्स इसमें डाले। ये मैंने एक 15 मिनट पहले इसको नमक मिर्च डाल दिया और थोड़ा सा मसाले के साथ मैरिनेट करके 20 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि इसमें अच्छे से मसाले जज़ब हो जाएं, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल फीके रह जाएंगे अगर हम इसको, वैसे कि इसमें फिर टेस्ट नहीं बनता, इसलिए मैंने इसको पहले से मैरिनेट कर लिया 20 मिनट के लिए। इसे ज़्यादा नहीं आप करें, क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसको कलर आने तक हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसको ज़्यादा देर तक फ्राई भी नहीं कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर कलर आ गया। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी और इस पे एक पान रखूंगी दूसरे चूल्हे पे। देखिए ये पान रख लिया मैंने। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और शामिल करूंगी, चार चम्मच ले लें, चाहे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। अभी मैं इसमें तेल डालने के बाद वो जो मैंने ऑनियन काट के रखे हैं, प्याज, उसको मैं डालूंगी इसमें। थोड़ा सा फ्राई करूंगी प्याज़ों को, ज़्यादा नहीं, इसका कलर भी चेंज नहीं करना ज़्यादा। तो इसको भी अच्छे से पकाऊंगी मैं। आप इस रेसिपी को बना के देखें, बहुत मज़ेदार बनती है ये। आप इसको राइस के साथ भी खाएं, चाहे रोटी के साथ, मैं तो इसको ब्रेड के साथ बहुत इन्जॉय करती हूँ, ब्राउन ब्रेड के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी और भी रेसिपी हैं, मैं ये देखें, मैंने अभी इसमें वो लहसुन और अदरक का पाउडर डाल दिया है। अब ये साथ ही मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटरों को अच्छी तरह से मैश करना है हमें इसमें, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी से बन सके। पहले हम टमाटर ही डाल के भूनेंगे और अभी उसके बाद हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये लहसुन अदरक वो सॉरी नमक मिर्च और हल्दी, साथ ज़ीरा थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। अब इसको भी अच्छी तरह से भूनना है और फिर इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने तक थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, पानी को आप हमेशा थोड़ा सा वार्म करके फिर ही डाला करें, क्योंकि ठंडा पानी डालने से प्याज जल्दी गलते नहीं हैं। अगर आप गर्म पानी डालते तो वो फ़ौरन और अच्छे से बन जाते हैं सॉफ्ट। अभी ढक्कन लगा दूंगी ऊपर। देखिए कितनी शानदार सी इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। अभी ये फारग अभी ये वो नहीं हुआ है, सही से बन नहीं रहा है। अभी देखें आप इसकी शक्ल और बदल के सामने आएगी कैसे।
बहुत अच्छे से भूनना पड़ेगा आपको। देखिए ये कैसी शानदार ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें सारे प्रॉन्स जो है मैंने फ्राई किए थे वो इसमें डाल दूंगी। प्रॉन्स के साथ और भी बहुत सारी रेसिपी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, तो मैं आपके लिए वो भी बनाऊंगी। ये एक तरह से नहीं खाए जाते, इसके बहुत डिफरेंट फ्लेवर में खाया जाता है इसको। ये देखिए इसको और अच्छे से, इसको भी थोड़ा सा ढक्कन लगा के भी मैं रखूँगी। अभी पहले इसको अच्छे से भून लूँ मैं, और अभी ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी रखी थी थोड़ी सी, एक चुटकी के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो वो जो ग्रेवी का कलर जो ब्लैक में आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा सा, दो चुटकी के बराबर, और आधा टीस्पून के बराबर आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब वो स्प्रिंग ऑनियन जो होते हैं वो मैंने काट के रखे हुए हैं वो डाल रही हूँ मैं, मुझे थोड़े कम लगे मैंने और ज़्यादा डाल दिए थोड़े। थोड़े से गार्निश करने के लिए मैंने रख दिए हैं। देखिए मज़ेदार से ये रेसिपी तैयार हो रही है, आप इसको अपने घर में बनाएंगे अगर बनाएं तो फिर आप मुझे बताएं ज़रूर ये आपको कैसी लगी रेसिपी मेरी, और खा के बताएं। अब काश के मैं आपको ये खिला के दिखा सकती अभी इस वक्त, लेकिन आप अपने घर में ज़रूर बनाएं, आप इसको एंजॉय करेंगे। बच्चों को तो ज़रूर दिया करें, ये बहुत ताकत वाली चीज़ है। और बच्चे वैसे भी शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें। ये देखिए ये अभी मैं डिश आउट कर दिया, मैंने सलाद थोड़ा सा बना दिया, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर देखा करें, पूरी वीडियो मेरी देखा करें, स्किप करके ना देखें, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी समझ आएगी। और दुआएं के हाँ किया करें हमारे लिए, मेरे चैनल के लिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। फिर दोबारा मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इन्जॉय डेली अशलीफ।